परिमेय संख्या के बारे में अपन ने जैसे पढ़ा है, परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको अंश बटा हार के रूप में अपन ले सकते हैं। अंश और हार यदि प्राकृत संख्या होती है तो उसको अपन भिन्न संख्या कहते हैं, और अंश और हार यदि पूर्णांक संख्या होती है, यानी कि चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, तो उसको अपन परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि अंडरूट पांच को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या होती है उसको अंश बटा हार के रूप में अपन नहीं ले सकते। जिसको अंश बटा हार के रूप में नहीं लिख सकते तो उसको किस रूप में लिख सकते हैं, कौन सा तरीका है? या तो अनरूट के अंदर, या फिर दूसरा तरीका है दशमलव के अंदर। दशमलव के अंदर भी शांत दशमलव भी होता है और अशांत दशमलव भी होता है। अशांत दशमलव में कौन सा दशमलव होना चाहिए? अशांत अनावर्ती वाला दशमलव होना चाहिए, तो उसको अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके अलावा दूसरे किसी भी रूप में अपन व्यक्त नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अपन को एक विरोधाभास प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि अपन जो सिद्ध करना है उसके विपरीत मानते हुए अपन को चलना है। जैसे अपन को ये इसको धरती साबित करना है, तो एक बार मानेंगे कि माना कि ये आकाश, तो इसी प्रकार से इसको अपन एक बार मानेंगे। गणित में मानना सबसे बड़ी ताकत होती है। गणित में कोई भी प्रॉब्लम यदि आती है तो सीधा सीधा होता है शुरुआत में माना कि, तो यह माना कि अंडरूट पांच एक परिमेय संख्या है। जब यदि यह परिमेय संख्या है तो उसको अपन अंश बटा हार के रूप में लिख सकते हैं। जब तक इसको परिमेय नहीं मानेंगे तब तक इसको अंश बटा हार के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो मैंने परिमेय मान लिया तो अंश बटा हार के रूप में लिख दिया। अब अंश बटा हार के रूप में लिख दिया तो हो सकता है कि जैसे चार बटा छ हो, तो इसमें क्या भाग जा रहा है? दो का भाग जा रहा है, इसमें भी दो का भाग जा रहा है, तो कितना आ गया? दो बटा तीन। इसी भांति मैंने भी यह सोचा कि भाई मैंने पी बटा क्यू माना है, तो हो सकता है कि पी और क्यू के अंदर कोई समान संख्या का भाग जा रहा हो, यानी कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तो इस डाउट को खत्म करने के लिए मैंने समान संख्या से गुणा कर लिया, सॉरी समान संख्या का भाग दे दिया। तो समान संख्या का भाग देंगे तो जैसे पहले चार बटा छह था तो उसकी जगह अब कितना आ गया? दो बटा तीन। इसी भांति यहां पर भी मैंने किसका भाग दिया? जिसका भी भाग जा रहा था भाग दे दिया, तो नई संख्या आ गई a बटा b। अब मैं श्योर हो गया, यानी कि क्लियर कट हो गया कि अब a और b के अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, यानी कि समान संख्या से यह कटने की संभावना है वो खत्म हो गई। अब उसको फिर अपन कहते हैं गणित में सहअभाज्य, जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है उसको अपन सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यह सहअभाज्य संख्या है कौन? a और b। सहअभाज्य संख्या का पुनः अर्थ आप समझ लें, ऐसा कोई भी गुणनखंड नहीं है जो a के अंदर भी भाग जा रहा है और b के अंदर भी भाग जा रहा है, क्योंकि जो भी भाग जा रहा था वो मैंने यहां पर दे दिया। अब क्लियर कट है, कोई संभावना नहीं है। जैसे कोई एक डिब्बा है, सीधा डिब्बा खड़ा है पड़ा है, तब तक अपने दिमाग में होता है हो सकता है इस डिब्बे के अंदर कुछ हो, लेकिन मैंने ढक्कन खोल करके उसको उल्टा कर दिया, अब आपका सारा डाउट खत्म हो गया कि भाई डिब्बा बिल्कुल खाली है। तो इसी भांति मैंने भी यहाँ पर यदि p बटा q के अंदर यदि किसी समान संख्या का भाग यदि जा रहा था तो वो मैंने दे दिया, ये मान लिया। अब इसमें a और b के अंदर किसी भी संख्या का समान संख्या का भाग जाने की संभावना है वो खत्म हो गई, तो उसको अपन गणित में कहते हैं सहअभाज्य संख्या। अब मैंने पक्षांतर दिया, यानी कि b यहाँ पर बट्टे में था, पक्षांतर किया या गुणा हो गया। अब फिर मैंने वर्ग कर दिया, अब ये पक्षांतर क्यों किया और वर्ग क्यों किया ये इसके फिक्स स्टेप है, ये थोड़ा प्रश्न है वो मान सकते हैं कि 40% आप समझ सकते हैं, तो 60% है इसको थोड़ा फिक्स शेड्यूल में ही हल करना, बाकी प्रश्नों से ये थोड़ा सा हटके। तो इसमें आपने वर्ग कर दिया, वर्ग किया तो इसका तो अंगूठ डट गया और बी के ऊपर गाल दो आ गई, ए के ऊपर भी गाल दो, यानी दोनों पक्षों का आपने क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद में याद देखा कि पांच है वो इसके गुणा में, पांच इसके गुणा में। तो अब इससे इससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी अपन आंकड़ों में अपन समझते हैं। जैसे यहां पर 12 है तो 12 का गुणनखंड कितना होता है? 4 गुणा 3। तो यहां गुणा में जो भी संख्या आई है इसका मतलब 12 के अंदर क्या है? भाग जा रहा है। यदि 4 का भाग 12 में नहीं जाता है तो इसके गुणा में नहीं आता। इसी प्रकार से जैसे 6 गुणा 2 कर दिया बराबर कितना हुआ? 12। तो यहां पर गुणा में कितना आया? गुणांक कितना? 6। इसका मतलब 6 का भाग इसमें जा रहा है। इसी भांति आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां गुणा में कौन आया? 5। इसका मतलब 5 का भाग है वो किस में जा रहा है? a में जा रहा है।
इसमें जा रहा है, ए में जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है अर्थात ए पांच से भाज्य है, यानी कि ए के अंदर पांच का भाग जा रहा है। ये कैसे पता लगा कि ये गुणा में बी के गुणा में कितना आया है, पांच आया है। इसका मतलब पांच का भाग है वो ए में जा रहा है। एक बार पुनः आप देख लें, जैसे ये बीस है, इसका गुणनखंड मैंने कितना किया, पांच गुणा चार, तो यहाँ पर गुणा में कितना आया, पांच। इसका मतलब हुआ किसके अंदर भाग नहीं जाता, सामने कौन सी संख्या है उसके अंदर भाग जाएगा। तो पांच का भाग किसमें जाएगा, बीस में जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि पांच का भाग है वो किसमें जाएगा, ए में जाएगा। अर्थात ए पांच से भाज्य। अब यदि पांच से भाज्य है तो उसके गुणा में कौन हो सकता है, मैंने मान लिया सी, कितना मान लिया सी, तो ए बराबर हो गया 5c। तो अब यहाँ पर समीकरण नंबर जो एक रोका था इसके अंदर ए का मान रख दिया, तो देखो बी पांच है तो पांच लिख दिया, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिख दिया, और ए की जगह मैंने लिख दिया 5c। तो यहाँ पर जो वर्ग करते हैं तो पांच का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, और सी के ऊपर घात 2 रहेगी। अब कैसा रहा, यहाँ पर 25 नहीं हुआ तो यहाँ पर तो क्या था, अंडरूट। अंडरूट का मतलब क्या था, घात आती, तो उसका वर्ग करेंगे तो अंडरूट घट जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो पांच का भाग इसमें भी जा रहा है, पांच का भाग इसमें भी जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों पक्षों में समान संख्या का भाग दे सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, समान संख्या से जो जोड़ सकते हैं, जोड़ बाकी गुणा और भाग तीनों ही गतिविधि कर सकते हैं। तो इसमें भी पांच का भाग जा रहा है, इसमें भी पांच का भाग जा रहा है, तो मैंने दे दिया। अब यहाँ तो पांच का भाग एक बार जाएगा, एक लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पांच का भाग पांच बार गया, तो अब यहाँ पर गुणा में कितना आ गया, पांच। तो गुणा में पांच आ गया तो इसका भाग सी में नहीं जाएगा, इसका भाग सामने विपरीत। यहाँ पर मैंने बात कही कि जैसे पांच है तो पांच का भाग है, तो इसके पड़ोस में गुणा में कौन है उसको टारगेट नहीं बनाना, टारगेट बनाना उसके विपक्ष में कौन है उसमें भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर गुणा में किसके आया, सी के गुणा में आया, तो इसका मतलब हुआ पांच है उसका भाग है वो किसमें जाएगा, बी में जाएगा। अर्थात बी है वो पांच है क्या है, भाज्य है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए भाज्य है और यहाँ पर कह रहा है बी भाज्य है, इसका मतलब हुआ समीकरण नंबर एक और दो से स्पष्ट होता है कि ए और बी से अभाज्य नहीं है, यानी कि पांच है वो गुणनखंड है, पांच का भाग ए में भी जा रहा है और पांच का भाग बी में भी जा रहा है। ये साबित कौन करता है, समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो करता है। तो अर्थात पांच है वो उपनिष्ठ गुणनखंड है, किसका, ए और बी का। जबकि यहां पर अपन क्या कह रहे हैं, यहां पर तो कह रहे हैं कि इसका कोई गुणनखंड उपनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, यानी कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग ए में भी जाता हो और पांच में भी जाता हो, ये अपन मान के आगे बढ़े थे। लेकिन जैसे ही अपन यहां तक पहुंचे तो अपनी है वो जो पहले की जो धारणा थी वो गलत साबित हो गई, यानी कि जो सह अभाज्य अपन मान के चल रहे थे वो सह अभाज्य संख्या नहीं निकली, उसके अंदर समान संख्या का भाग जा रहा था। तो ये पहले अपन ने जो सोचा वो, और अब जो यहां पर जो परिणाम प्राप्त हुआ वो दोनों विपरीत, दोनों धारणाएं क्या हो गई, विपरीत धारणाएं हो गई। और ये विपरीत धारणा गणित में एक ही प्रश्न के अंदर विपरीत धारणाएं आपस में दो सिद्धांत आपस में टकराते कभी नहीं है, एक ही प्रश्न के अंदर गणित में कभी भी टकराते नहीं है, या तो नियम लागू होगा या नियम लागू नहीं होगा, ये फाइनल होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों धारणाएं हैं वो विपरीत हो गई, और इस विपरीत होने का कारण क्या है, विपरीत होने का कारण है कि शुरुआत में मैंने विपरीत बात ही मानी, यानी कि अंडरूट पांच जो है वो मैंने परिमेय मानी, जबकि अभिगत में ये परिमेय नहीं है। इसीलिए ये धारणा और ये धारणा दोनों क्या होगी, विपरीत होगी, और विपरीत होने का कारण क्या है कि मैंने शुरुआत में ही गलत मान लिया था, अंडरूट पांच था वो है परिमेय था, लेकिन मैंने इसको क्या मान लिया, परिमेय मान लिया, अतः यह सिद्ध होता है कि अंडरूट पांच है वो है परिमेय संख्या। इस प्रकार से विरोधाभास सिद्धांत को मैं मानते हुए इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया जाता है, बाकी इसकी सीधी कोई प्रोसेस नहीं, सीधी प्रोसेस नहीं होने का कारण क्या है कि यदि इसको मैं अपरिमेय मान लूं तो उसको मैं बट्टे में नहीं लिख पाऊंगा, और बट्टे में नहीं लिख पाऊंगा तो आगे की पूरी प्रोसेस नहीं हो पाएगी।